भारत के टॉप 5 डायरेक्टर जो एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, और नंबर 1 वाला डायरेक्टर इतना पैसा लेता है कि उतने पैसे में एक KGF 2 जैसी फिल्में भी बनाई जा सकती हैं। नंबर 5 पे बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी आते हैं। इन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए इन्होंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया था, लेकिन इनकी आने वाली फिल्म वार 2 जिसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में देखे जाएंगे और जूनियर एंटिया नेगेटिव रोल में देखे जाएंगे। वार 2 फिल्म के लिए इन्होंने 32 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया है। नंबर 4 पर वार और पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद आते हैं। इन्होंने पठान के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया था। इनकी 2024 में आने वाली फिल्म फाइटर के लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया है। फाइटर फिल्म में आप लोग ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को लीड रोल में देख सकते हैं। नंबर 3 पर KGF 2 से पूरे इंडिया में तड़का मचा देने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील आते हैं। इन्होंने KGF 2 को डायरेक्ट करने के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया था, और इनकी आने वाली मूवी सलार के लिए 25 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया है। इसके बाद इनकी अपकमिंग फिल्म एंटिया 31 आने वाले जिसके लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया है। नंबर 2 पर लीजेंड एक्टर रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर से फेमस हुए डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार आते हैं। इन्होंने 2022 में KGF 2 से बीस्ट मूवी का क्लैश करवाया, जिसमें इनकी मूवी को सिर्फ एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो पाया, और इस साल यानी 2023 में जेलर मूवी के लिए इन्होंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए का फीस चार्ज किया है। नेल्सन दिलीप कुमार को जेलर 2 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एडवांस में 55 करोड़ रुपये पेड कर दिया गया है। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर बाहुबली और RRR जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली आते हैं। SS राजामौली एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 30 करोड़ रुपए और 30% प्रॉफिट का हिस्सा भी लेते हैं, जो कि टोटल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकी फीस हो जाती है।